नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आधी रात में बनारस की सड़कों पर आखिरकार क्यों निकली लड़कियां? ऐसा क्या हुआ कि प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुई बनारस की बेटियां? देखिए बनारस की बेटियों का अनोखा प्रदर्शन। हाथ में पोस्टर और कैंडल लेकर सड़कों पर आखिरकार आधी रात में निकलने को मजबूर क्यों हुई बनारस की बेटियां? ऐसा क्या हुआ कि आधी रात में इन लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ा? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बनारस की बेटियां आधी रात में सड़क पर निकलकर मार्च कर रही हैं। दखल संगठन के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया, जिसमें महिलाएं, लड़कियां, एलजीबीटी समुदाय के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। दुर्गाकुंड क्षेत्र में जुटने पर दखल की ओर से कहा गया कि आगामी समय से शक्ति की देवी माँ दुर्गा का पर्व आने वाला है। माता दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है और आज बनारस में अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस जगह से करके हमने बुराई पर भलाई की जीत के विचार से प्रेरणा लेना चाहते हैं। मणिपुर में खुलेआम सड़क पर बेटियों को निर्वस्त्र करके गैंगरेप किया जा रहा है। बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने 2012 के निर्भया केस की याद दिला दी है। हालांकि इसी बीच नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। यह आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। खासतौर पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ पर सख्त कानून होने के बावजूद देश में हर साल ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। दुर्गाकुंड से महिलाएं, एलजीबीटी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में नारे लगाते हुए लंका के रैदास गेट तक गए। मार्च में समता, समानता, हक और हिस्सेदारी के नारे लिखे प्ले कार्ड लिए चल रही थी तमाम बेटियां। रैदास गेट पर हुई सभा में श्रुति ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि जिस तरीके से एनसीआरबी के डेटा सामने आए हैं, भारत में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, 96% महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इसके अलावा 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा मिल पाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मर्दांगी और पितृ सत्ता एक सामाजिक बुराई है। ये बुराई समाज के सभी अंगों में पैठ बनाए हुए धर्म और धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, सब जगह पुरुष ही पुरुष दिखाई देंगे और जब भी वो दिखाई देंगे तो नियम भी वही बनाएंगे, उन नियमों को बचाने के तर्क भी खुद देंगे। घूंघट और बुर्का में ढकी बेटियां, महिलाएं धार्मिक पहचान से भले अलग हों, मगर लैंगिक पहचान से सेकेंड क्लास सिटीजन बनाई जाएंगी। इन लोगों का कहना है कि अपने सम्मान की लड़ाई में एकजुट सभी लोगों को होना चाहिए। 21वीं शताब्दी के स्वतंत्र भारत में महिलाएं रोज हिंसा, अपमान, बलात्कार, गैर बराबरी से जूझ रही हैं। हम महिलाएं आज भी आजाद होने का इंतजार कर रही हैं। ये कैसी आजादी है जिसने हमारा हक, हमारा हिस्सा नहीं है? घटनाओं को भी समाज अलग अलग नजरिए से देख और चुन रहा है। बोलने से पहले बड़े वर्ग की घटना, छोटे समुदाय वर्ग के घटना, हमें हर घटना के लिए तत्पर होने, आवाज उठाने की जरूरत है। बराबरी मिलने तक इस आजादी को हम अधूरी समझते हैं। समता, समानता और न्याय के नारे के साथ मेरी रातें, मेरी सड़कें कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए। सड़क पर हम बेटियों का निकलना पितृ सत्तात्मक समाज की परीक्षा लेना है और चुनौती देना भी। अब देखना यही होगा कि बेटियां अपने इस मकसद में कब तक कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, वाराणसी।